नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। भगवान आपको स्वस्थ रख के हर प्रकार के दुख तकलीफों से बचाए, ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो प्रहार है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, देश के ऊपर, इन सब से बचने के लिए हमें सभी उचित कदम उठाने चाहिए। अपने हाथ धोइए, बार बार धोइए। जब भी कहीं घर से बाहर बहुत ज़रूरी हो जाना तब जाइए, नहीं ज़रूरी है तो मत जाइए। बड़े बुज़ुर्ग अपना ख्याल रखें, बच्चे अपना ख्याल रखें और पूरा ध्यान रखें। अपना खांसते वक्त, हाथ मिलाते वक्त, वैसे तो हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए, नमस्कार करिए, हेलो हाय करिए, दूर से करिए, डिस्टेंस बना के रखिए। घर में आने जाने वाले जो लोग हैं, अगर बहुत मजबूरी है तो कोई आपके घर आए या आप किसी के घर जाएं, तो हर एक तरीके से हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। सरकार अपना काम करेगी, पर्सनल लेवल पे हमें अपना काम करना पड़ेगा। ये वीडियो चाहे आप लोग इंडिया में देखें, इंडिया के बाहर देखें या किसी भी देश में देखें, सभी जगह पे लगभग लगभग यही रूल्स, यही रेगुलेशन है कोरोना वायरस को हराने के। तो आप लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। हमारे अपने ऑफिस में हमने सारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो किया है। लोग कम आ रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। मैं खुद आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक सैनिटाइज़र है जिसको बार बार प्रयोग करके अपने हाथों को धोते हैं, साफ़ करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम सब, और ये प्रयास हम सबको करने चाहिए। तो हम सबके प्रयास से ही देश अच्छा होगा, आप अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे होंगे तो ग्रह सितारे अच्छे होंगे, ग्रह सितारे अच्छे होंगे तो हम तरक्की करेंगे। तो चलिए, ये छोटी सी जानकारी थी। आप सभी लोग इन बातों को जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं कई बार हम, तो मेरा एक प्रयास था याद दिलाने का। अब बात करते हैं विषय की। कुंभ राशि 20 मार्च 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का पंचांग, आज का राशिफल और आज का टोटका। यह टोटका आपके जीवन में कई खुशियां लेकर आएगा। वीडियो के अंत में कुछ अच्छे और सरल उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके दिन को शानदार बनाएंगे। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:30 सुबह, सूर्यास्त होगा 6:29 शाम को। चंद्र राशि मकर, तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी, योग शिव, नक्षत्र श्रवण वार शुक्रवार और अभिजीत मुहूर्त 12:05 पीएम से 12:54 पीएम तक। राहु काल 10:58 सुबह से 12:30 दोपहर तक। और अब बात करते हैं आज के टोटके की। कुंभ राशि वालों को नीलम रत्न धारण करना शुभ रहता है नहीं रहता है, क्या उसका वेट होना चाहिए, कब पहनना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ बहुत कम शब्दों में। कुंभ राशि वाले जातक या जातिकाओं को नीलम रत्न धारण करना लाभदायक रहता है, कब रहता है ये जान लीजिए। जब शनि की 7:30 चल रही हो, जैसा कि आपके ऊपर चल रही है, तो आपको शनि का रत्न धारण करना लाभकारी रहता है। जन्म कुंडली में शनि वक्री अस्त हो या कमजोर हो तो नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। किसी भी ग्रह की विषोत्तरी महादशा में शनि की अंतर दशा चल रही हो तो नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। नीलम रत्न का वजन 4 कैरेट होना चाहिए या वजन 6 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। अंगूठी पंच धातु, सोने में या लोहे में बनवाई जा सकती है। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसको धारण किया जा सकता है और इसका प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत आवश्यक है। नीलम रत्न का प्रभाव जो है लगभग 5 वर्ष तक रहता है जिस दिन से आप इस अंगूठी को धारण करते हैं, और जो लोग नीलम रत्न अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इसका सब्स्टिट्यूट नीली वगैरह भी पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। रुद्राक्ष धारण भी किया जा सकता है, सातवें के रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है। तो आप सभी लोग नीलम रत्न का प्रयोग कर सकते हैं जिनके ऊपर भी शनि की 7:30 चल रही है, और ये सारी चीज़ें आपको हमारे संस्थान से प्राप्त हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर लें। और अब बात करते हैं आज के राशिफल की।
आपके चेहरे पर उदासी होगी, आप थोड़े से चिंताग्रस्त परेशान हो सकते हैं, आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे, आपको अपनी जमा पूंजी में से पैसे निकाल के खर्च करने पड़ सकते हैं, आपको निराशाजनक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, घर में थोड़ा सा तनाव रह सकता है, घर से ना निकले तो बढ़िया रहेगा, जरूरी होने पर ही निकलें, अपने काम से काम रखें और इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें, व्यर्थ के दोस्तों से मिलना, व्यर्थ की गपशप मारना, व्यर्थ के दोस्तों के साथ या बुरी संगति के दोस्तों के साथ बैठकर टाइम पास करना आपके लिए हानिकारक होगा, नहीं तो सेहत भी जाएगी, धन भी जाएगा और मान सम्मान भी जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। प्रेमी प्रेमिका के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आप एकांत में या छुप छुप कर रहना पसंद करेंगे, लोगों के सामने जाना पसंद नहीं करेंगे, आपके विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आप तनाव में रहेंगे, डरे डरे रहेंगे। आपको पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको नई नई योजनाएं बनाते रहना होगा। आज के दिन गलतियां करना मतलब कानूनी दांव पेच में फंसना या फिर अपनी सेहत को खराब कर लेना, तो ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से छोटे मोटे झगड़े होंगे लेकिन शारीरिक सुख और रोमांस में बढ़ोतरी होगी। कई बार इसके विपरीत भी होते हुए देखा गया है कि रोमांस और शारीरिक सुख में कमी होने की वजह से तनाव हो सकता है, तो जरा ध्यान बना के रखिएगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिएगा। आपकी नींद बढ़िया नहीं होगी, आप किसी अपने के कारण दुख का सामना कर सकते हैं या किसी दूसरे की गलती का भुगतान आपको भुगतना पड़ सकता है। आपकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित रहेगी, आपको फैसले लेने में देरी हो सकती है, कंफ्यूज हो सकते हैं। मांस मदिरा बुरी संगति से आपको दूर रहने की मैं सलाह दूंगा, भीड़ भाड़ से बचने की मैं सलाह दूंगा। आपकी आंख में तकलीफ हो सकती है, फिजूल खर्ची ना करें, झूठ और ठगी का रास्ता अपनाकर पैसा ना कमाएं, किसी का विश्वास ना तोड़ें, रिश्तों में ईमानदारी बना के रखें, काम व्यापार में ईमानदारी बना कर रखें, झूठ छल कपट से ना रिश्तों में काम चलेगा ना ही व्यापार या नौकरी में काम चलेगा, तो ये बहुत ध्यान रखना होगा। ईमानदारी आपको बरतनी होगी हर मामले में, ईश्वर पर विश्वास करना होगा। शारीरिक पीड़ा हो सकती है, वाहन इत्यादि ठीक प्रकार से चलाएं, छोटी मोटी दुर्घटनाएं ना हों इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा ताकि आप उनसे बच सके। कई बार आप बेशर्मी की हदों को भी पार कर सकते हैं। कुछ लोग आपको कहा जाएगा कि ये काम गलत है, फिर उसके बावजूद भी आपको काम करेंगे या करेंगे, आपको कहा जाएगा कि ये चीज़ सही नहीं है, आपको ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना है, तो आप ढीठ हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं या हो सकती हैं, और जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वही काम बार बार करें, जानबूझ के करें, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप समझिए और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, बेशर्मी से जिद से ढीठपन से कोई काम नहीं बनने वाला है, दूसरे को परेशान करके आपका कोई काम नहीं बनने वाला है। हो सकता है कुछ समय की खुशी मिल जाए लेकिन उसके बाद हाथ कुछ नहीं आएगा। तो जिदपन बेशर्मीपन और किसी की बात को सुनना और सुनकर अनसुना कर देना, ऐसा भी आप कर सकते हैं या कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। बात करते हैं कुछ उपाय की। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की जितनी आराधना करिए आपको लाभ मिलेगा, सफेद चीजों का दान करिए आपको लाभ मिलेगा। कई बड़े शहरों में छोटे शहरों में इस कोरोना वायरस की वजह से मंदिर जाना कम हो गया है लोगों का, मंदिर बंद भी कर दिए गए हैं, आपको नुकसान ना हो इस वजह से, तो आप लोग घर पर पूजा करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, घर पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए, सुबह दोपहर शाम पढ़िए, इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का पाठ करिए सुबह दोपहर शाम, और माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, घर के मंदिर में करिए, घर में अगर मंदिर छोटा बड़ा जैसा है वहाँ करिए, नहीं है तो किसी साफ जगह पर बैठकर खड़े होकर करिए और ईश्वर से अपने रिश्तों को बढ़िया बना के रखिए। तो अभी थोड़ी सावधानी और उस सावधानी के बाद हम सभी को सुख मिलेगा और हम सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन बेहतर जाए, ईश्वर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी रोग या परेशानी या किसी भी प्रकार का संकट ना होने दे और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप खुश तो हम खुश, और हम दोनों खुश तो हम दोनों लोगों को खुश देखकर पूरा संसार खुश हो सकता है। बचिए और बचाइए, अफवाहों में मत जाइए, और जिन लोगों को भी शनि रक्षा कवच या नीलम रत्न
या उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, उपरत्न चाहिए, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी कुंडली की विवेचना कराने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और रक्षा कवच को भी प्राप्त करके, शनि रक्षा कवच को भी प्राप्त करके आप अनेक प्रकार के दुख संकट परेशानियों से कुंभ राशि वाले मुक्ति पा सकते हैं, या जिनको भी साढ़े साथी का प्रभाव है वो लोग मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए हम आपकी कुंडली को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और अगर हमें ऐसा लगा कि आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए तो हम आपको सजेशन देंगे, और नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। तो उम्मीद करता हूँ खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और हिम्मत के साथ हर परेशानियों का सामना करते हुए खुद को विजयी बनाएंगे। हरिओम, नमस्कार।